नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संख्या सिद्धांत। संख्या सिद्धांत ही गणित विषय की उत्पत्ति का सबसे पहला टॉपिक माना जा सकता है, क्योंकि जहाँ भी गणित की बात होती है वहाँ संख्याओं की बात होती है। इन संख्याओं का किस तरह से चलन में आई, किस तरह से अलग अलग तरह के समुच्चय विकसित हुए, वो सारा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो समुच्चय हम पढ़ते हैं वो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को एन से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं का सेट एन इक्वल टू, इसके अंदर वो सारे नंबर्स आते हैं जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं। चाहे किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हम जाएं, वहां पर हमें काउंटिंग करनी है तो काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों? वन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए किसी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या हमें बतानी है, या किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों की को काउंट करना है हमें, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वन से स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री एंड सो। तो नेचुरल नंबर्स के सेट में वो सारे नंबर्स आएंगे जहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री फोर एंड सो। अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट है ये किस तरह से डेवलप हुआ होगा। ये माना जाता है कि जब से इस संसार की उत्पत्ति हुई है तब से गणित विषय की भी उत्पत्ति हुई है, और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तभी से हमारे काम में आ रहा है। वो अलग चीज़ है कि बाद में जब थ्योरी डेवलप होने लगी तो संख्याओं को इस रूप में लिखा जाने लगा कि वन इस तरह का होता है, टू इस तरह का होता है, थ्री इस तरह का होता है, फोर इस तरह का होता है। ये सारी थ्योरी बाद में डेवलप हुई। उससे पहले क्या अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे गणित विषय का ज्ञान नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति किस तरह से सामान खरीदता होगा, किस तरह से वो व्यक्ति अपने पास उपलब्ध वस्तुओं का ध्यान रखता होगा कि उसके पास जो भी वस्तुएं हैं वो पूरी तरह हैं या उनमें से कोई गायब हो गई। तो वहाँ पर एक सिद्धांत काम में आता है दोस्तों गणित का, वन टू वन करस्पोंडेंस जिसे हम बोलते हैं, वन टू वन करस्पोंडेंस। उदाहरण के लिए अगर कोई ग्वाला है जो जिसके पास पशु हैं, उन पशुओं को चराने के बाद वो जब घर लौटता है तो अब उसको गिनना तो आता नहीं। अगर उसको गिनना नहीं आता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसके सारे पशु वापस घर आ चुके हैं? अब इसके लिए जो एक सिद्धांत बहुत प्रचलित है, स्टोन्स एंड गोट प्रिंसिपल, स्टोन एंड गोट प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार उसने कुछ पत्थर असाइन कर रखे होंगे, किसको, जो भी उसके पास पशु हैं या बकरियां हैं, कि भाई एक पशु उसका घर पर एंटर होगा, एक पत्थर को अंदर रख देगा, दूसरा पशु घर पर एंटर होगा, दूसरे पत्थर को अंदर रख देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो यहाँ पर हम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी काम में आ रहा था कि एक पत्थर अंदर, दो पत्थर अंदर, तीन पत्थर अंदर। वो अलग चीज़ है कि ये जो संख्याएं हैं बाद में इस रूप में हमारे सामने आई। इन संख्याओं का जनक कौन है किसी को नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति को गणित का ज्ञान नहीं था तब भी किसी ना किसी रूप में प्राकृत संख्याएं काम में आ रही थी। इसीलिए इसको ये मान लिया गया है कि इस समुच्चय की जो रचना की है वो स्वयं ईश्वर ने की है, इसीलिए इस समुच्चय को प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहते हैं।
तो दोस्तों अब ध्यान रहे, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अर्थात कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, वन से लेकर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी कि जहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं वह समुच्चय क्या कहलाता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। एक चीज, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, अगर संक्रियाएं अपन यहाँ पर लगाएं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, संक्रियाएं, संक्रियाएं, और सबसे पहली संक्रिया जो हम काम में लेते हैं दोस्तों वो है योगफल। अगर दो प्राकृत संख्याओं का योगफल करें तो जो नई संख्या होगी वो भी प्राकृत संख्या होगी। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि अगर 2 और 1 का योगफल करें तो 3 आएगा, 3 और 2 का योगफल करें 4 आएगा जो कि इसी समुच्चय में है, 4 और 3 का योगफल करके देखें 7 आएगा इसी समुच्चय में, या कोई भी दो नंबर्स इस समुच्चय में से अगर हम उठाएं और उन दोनों का योगफल करके देखें तो नया जो अवयव हमारे पास आएगा वो इसी समुच्चय का आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, योगफल के लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय संवृत है, यानी योगफल के लिए संवृत है, संवृत है। इसे हम बोलते हैं अगर कोई भी दो अवयव लें, उन पर कोई संक्रिया लगाएं, नया अवयव अगर उसी समुच्चय में आ रहा है तब हम कहते हैं कि वह समुच्चय इस संक्रिया के लिए क्या है, संवृत। तो यहाँ पर दो प्राकृत संख्याएं कोई सी भी अगर हम उठाएं, यानी कि अगर मान लीजिए ए एलिमेंट है एन का, ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन, तब ये इम्प्लाइज करता है ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन, ए प्लस बी भी एन का एलिमेंट है, अर्थात योग संक्रिया के लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय संवृत है। दूसरी संक्रिया अगर हम पढ़ें, नंबर 2, दूसरी संक्रिया है अंतर, अंतर, अंतर के केस में क्या होगा दोस्तों, अंतर के केस में देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई भी दो प्राकृत संख्याएं अगर हम उठाएं, मान लीजिए एक तो मैंने ले लिया एक, दूसरा प्राकृत संख्या ले लिया 2, इन दोनों का अंतर मैं कर रहा हूँ 1 - 2 = -1 - 1। क्या -1 एन का एलिमेंट है? नहीं है, तो हम लिख देंगे -1 does not belong to। इसका मतलब अंतर के लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय संवृत नहीं है, यानी कि अंतर के लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय संवृत नहीं है, संवृत नहीं है। दोस्तों अगर उल्टा मैं यहाँ पर करता, मान लीजिए 2 में से 1 को घटाता तो नया एलिमेंट क्या था, 1, जो n के अंदर आ जाता, ठीक है। लेकिन संवृत तभी होगा जब हर स्थिति में वो सत्य हो, यानी कि आपने कहा कि भाई 4 ले लें, 4 में से 3 घटाएं तो 1 आ रहा है, ये तो इसके अंदर आ रहा है, तो फिर संवृत क्यों नहीं है? ये एक इस केस के लिए हो रहा है, हर केस के लिए पॉसिबल होना चाहिए, चाहे मैं 2 में से 4 को घटाऊं, चाहे 3 में से 4 को घटाएं, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट लें उसमें से दूसरा एलिमेंट अपन घटाएं तो हर स्थिति में नया एलिमेंट उसी समुच्चय में अगर आ रहा है तब हम कह रहे हैं कि वह समुच्चय दी गई संक्रिया के लिए संवृत है। तो यहाँ पर हमें एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो यहाँ पर फेल हो रहा है, उस केस में हम कह देंगे कि संवृत नहीं है। तीसरा जो हम यहाँ पर संक्रिया देखेंगे, नंबर 3, गुणनफल, गुणनफल। अब दोस्तों अगर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में कोई भी दो नंबर्स हम लें, मान लीजिए एक नंबर मैंने 2 ले लिया, दूसरा नंबर 3 ले लिया, तो 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो नया जो एलिमेंट आएगा 6, वो वापस इसी में आएगा। अब इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, मान लीजिए कितना भी बड़ा एलिमेंट आप लीजिए, मान लीजिए एक 6000 ले लिया, दूसरा मान लीजिए 8000 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48000 आएगा जो कि फिर से प्राकृत संख्या है। यानी कि अगर ए कोई भी एलिमेंट लिया मैंने किसका, एन का, बी कोई दूसरा एलिमेंट लिया एन का, उस स्थिति में ए इंटू बी इन दोनों का गुणनफल भी वापस किसका एलिमेंट होगा, एन का, यानी गुणनफल के लिए क्या है, संवृत है, संवृत है, गुणनफल के लिए ये संक्रिया संवृत है। चौथा पॉइंट दोस्तों, भागफल, भागफल,
तो क्या भागफल के लिए समर्थ होगा? एक पॉइंट मैं अगर वन ले लूं, ठीक है, दूसरा एलिमेंट मैंने टू ले लिया, अगर भाग देकर देखें तो वन बाई टू क्या एक बटे दो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में है? या अपन ये कहें, जब हम गिनती करते हैं तो गिनती गिनते समय क्या एक बटे दो आता है? नहीं आता है। इसका मतलब एक बटे दो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में नहीं है, यानी कि, लेकिन उल्टा करें, अगर हम दो में एक से भाग दें तब तो आ जाएगा, लेकिन एक में दो से दे रहे तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक केस भी अगर आपको ऐसा मिल गया जो दिए गए गुणधर्म को संतुष्ट नहीं कर रहा है, उस स्थिति में इस संक्रिया के लिए यह समुच्चय समर्थ नहीं होगा, तो यहाँ पर भी समर्थ नहीं होगा, समर्थ नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आधारित था। हमारे नेक्स्ट वीडियोज में हम पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याओं, इनके बारे में डिटेल से बताएंगे। और फिर एक बार जब ये संख्याएं कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। हमारे आगे के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।